बॉस सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों साउथ की एक नई स्पाई थ्रिलर मूवी जिसके अंदर हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन हमें देखने को मिलते हैं और इस मूवी का नाम है स्पाई। जी हाँ दोस्तों, कार्तिकिया 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और एक बार फिर से वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल यूनिक स्टोरी के साथ धमाकेदार मूवी लेकर आ रहे हैं। और इस मूवी को लेकर आज के दिन आ चुकी है बड़ी अपडेट, तो अगर आप भी इस मूवी के रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों स्पाई जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आप सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ और ऐश्वर्या मेनन को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित होने वाली है एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मिशन होता है और उस मिशन का कनेक्शन सीधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से और उनके वक्त से और उनके टाइम से जुड़ा होता है, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी के अंदर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको निखिल सिद्धार्थ के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कौन सी लगती है, या आपने अभी तक निखिल सिद्धार्थ की कोई मूवी देखी है या नहीं देखी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के ऑफिशियल टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है जो कि पूरी तरह से गूज़बम्प देने वाला है और इसके अंदर हमें हाई लेवल के एक्शन सीन के साथ साथ यूनिक स्टोरी भी नजर आती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ की स्पाई मूवी ब्लॉकबस्टर होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। और अगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है तो सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ मात्र एक ऐसे सुपरस्टार बन जाएंगे जो कि बैक टू बैक दो पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर देने वाले पहले सुपरस्टार बन जाएंगे। और अगर आप इस मूवी के रिलीज होने का वेट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी आपको पैन इंडिया लेवल पर 29 जून को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, जिसको हिंदी डब के साथ साथ सभी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।